मैं माधुरा सिंध्य पब्लिक स्कूल में हिंदी टीचर डॉक्टर अलका माच हूँ। बच्चों, आप सबको पता है कि कोरोना वायरस के चल वजह से हमारे देश और हमारे शहर में क्या हालात हैं। हम सबको सावधानी रखते हुए अपने अपने घरों में रहना पड़ रहा है, जिसके कारण हम लोग बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। घर पर बैठे बैठे भी हमें अब थोड़ी पढ़ाई की बात भी कर लेनी चाहिए। मैंने सोचा मैं कुछ आपको आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड थोड़ी व्याकरण के विषय में जानकारी दे दूं। आज मैं आपको संज्ञा के बारे में बताऊंगी। तो सब बच्चे अपनी एक कॉपी और एक पेंसिल लेकर बैठेंगे। मैं अब आपको संज्ञा के बारे में बताऊंगी। संज्ञा को इंग्लिश में नाउन कहते हैं। नाउन से हमारा मतलब होता है कि किसी का भी नाम। संज्ञा का मतलब है किसी का भी नाम, उसको हम संज्ञा की श्रेणी में लाते हैं। सबसे पहले मैं आपको इसकी परिभाषा के बारे में जानकारी दूंगी। किसी व्यक्ति, व्यक्ति से तात्पर्य हमारा है मैं, आप, कोई भी इंसान, बच्चा, आदमी, औरत, उसका नाम, तो वो हमारी संज्ञा की श्रेणी में आता है। उसके बाद हम देखते हैं व्यक्ति के बाद आता है वस्तु। वस्तु से हमारा तात्पर्य है कोई भी चीज जिसे हम घर में इस्तेमाल करते हैं, बाहर इस्तेमाल करते हैं, जैसे मेज, कुर्सी, पलंग, फ्रिज, ये सब हमारी वस्तु की श्रेणी में आता। फिर आया स्थान। स्थान आपका आ जाते हैं कोई भी शहर, जगह जिसका नाम हो पर्टिकुलर, उसको हम संज्ञा के में स्थान के रूप में लेते हैं। जैसे हो गया बरेली, एक स्थान है, शहर है। फिर आया हमारा भाव। भाव से हमारा तात्पर्य वो है कि भाव को हम महसूस करते हैं पर हम किसी को महसूस नहीं करा पाते। खुद तो महसूस करेंगे पर हम किसी को महसूस नहीं करा पाएंगे। भाव में हमारे आ जाते हैं दुख, सुख, प्रेम हो गया, प्रसन्नता हो गई, क्रोध हो गया, ये हमारी भाव की श्रेणी में आता है। अब मैं आपको इसकी परिभाषा बताती हूँ। किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। जैसे व्यक्ति से तात्पर्य हो गया हमारा राम, और स्थान से तात्पर्य हो गया हमारा आगरा, और वस्तु से तात्पर्य हो गया हमारा मेज, और यहाँ पे है भाव से तात्पर्य हो गया हमारा दया। तो हमारी पूरी परिभाषा क्या हुई बच्चों? किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। यहाँ हमारे नाम पर जोर दिया गया है। इनमें से किसी का भी नाम जहाँ पे लिखा जाएगा उसको हम संज्ञा की श्रेणी में लाएंगे। हमारे संज्ञा की परिभाषा के बाद उसके कुछ हमारे भेद भी हैं, जिसे इंग्लिश में कहते हैं काइंड्स ऑफ नाउन। काइंड्स ऑफ नाउन में हम तीन प्रकार के पढ़ेंगे। वैसे तो इसके और भी होते हैं पर आपके पाठ्यक्रम में सिर्फ तीन है। जैसे जातिवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा से हमारा तात्पर्य है जैसे लड़का, लड़की, स्कूल, बाजार, मॉल, हॉस्पिटल, ये सब हमारे जातिवाचक में आ जाएंगे। जातिवाचक को इंग्लिश में हम कहते हैं कॉमन नाउन। कॉमन नाउन से तात्पर्य हमारा कोई भी कॉमन व्यक्ति जिसका कोई नाम ना हो पर कॉमन, जैसे लड़का, लड़की, स्कूल, बाजार, और जैसे ही इनके नाम लिखे जाएंगे तो वो हमारे आ जाएंगे व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत। जैसे हमारे शहर का नाम बरेली, आगरा, मुंबई, कोलकाता, और मोहन, राम, सोहन, फिर कोई भी हिस्टोरिकल बिल्डिंग, इमारत, जैसे ताजमहल, लाल किला, कुतुब मीनार, लोटस टेम्पल आदि हमारे व्यक्तिगत व्यक्तिवाचक संज्ञा में आएंगे। अब आया तीसरा हमारा भाववाचक संज्ञा। भाव से हमारा तात्पर्य है जैसे सुख, दुख, ममता, प्रेम, क्रोध, ये सब हमारे एब्स्ट्रैक्ट नाउन, इंग्लिश में से कहते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन, ये उस श्रेणी में आते हैं। सुख, दुख, ममता, प्रेम, क्रोध आदि जो है हमारे भाववाचक संज्ञा में आते हैं। बच्चों, समझ में आया आपको कैसे संज्ञा के हम बारे में मैंने आपको बताया है? सबसे पहले हम संज्ञा की इस परिभाषा को लिखेंगे और इसको कंठस्थ करेंगे, इसको याद करेंगे बहुत अच्छे से। उसके बाद उसके भेद,
हमारे तीन भेद हैं, जातिवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा। मैं आपको फिर से रिपीट करके एक बार फिर से बता रही हूँ संज्ञा की परिभाषा। किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। जैसे राम, राम की जगह आप अपना नाम भी लिख सकते हैं, आगरा की जगह बरेली लिख सकते हैं, मेज की जगह कुर्सी, पुस्तक, पेंसिल, कुछ भी लिख सकते हैं। तथा दया, दया के अलावा आप सुख, दुख, ममता, प्रेम आदि कुछ भी लिख सकते हैं। उसके बाद हम लिखेंगे संज्ञा के भेद, जातिवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। तो बच्चों समझ में आया आपको, आपने आज किसकी परिभाषा पढ़ी? संज्ञा की। इसको आपको याद करना है और अपनी उस कॉपी में लिखना भी है। उसी से रिलेटेड मैं आपको थोड़ा सा कार्य भी करने को देती हूँ, जिससे आपकी घर पे बैठे बैठे प्रैक्टिस भी होगी और ये इंटरेस्टेड भी है, इंटरेस्टिंग भी है, जिसमें आप कुछ आपको करने के लिए भी रहेगा। ये आपका है अभ्यास कार्य, ये आप दूसरे पेज पर करेंगे अपना अभ्यास कार्य। एक पेज पे आपको लिखना होगा ये परिभाषा और उसके भेद, और दूसरे पेज पे आप अभ्यास कार्य करेंगे। पहले अभ्यास कार्य में किन्हीं पांच नगरों या शहरों के नाम लिखिए। देखो नगर के नाम या शहर के नाम, बरेली हो गया आपका नगर, और शहर बरेली, आगरा, दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, कानपुर, लखनऊ आदि कोई भी आप नाम लिख सकते हैं। फिर अपने इन्हीं पांच मित्रों के नाम लिखिए, जिन्हें आप बहुत मिस कर रहे हैं इन दिनों। आप स्कूल नहीं जा पा रहे हैं ना, तो आप बहुत मिस कर रहे हैं, घर से बाहर निकलना नहीं हो पा रहा है, तो आप जिनको भी मिस कर रहे हैं उन पांच मित्रों के नाम लिख सकते हैं। फिर नंबर थ्री पे है अपने घर की किन्हीं पांच वस्तुओं के नाम। आप आजकल घर पे पूरा टाइम रह रहे हो ना, तो आपकी जो भी फेवरेट पांच घर की वस्तुएं हैं उनके नाम आप इसमें लिखोगे, ठीक है? फिर आप इतना ही आज आपके लिए। अब मैं कल आपको व्याकरण से संबंधित और कुछ जानकारी दूंगी।